नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जादरिया। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने टीडी नियंत्रण के लिए कौन से सख्त कदम उठाए हैं। तो चलो शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले जो टिड्डी का जो आक्रमण है वो राजस्थान में देखा गया था, लेकिन अब जो इसका आक्रमण है वो राजस्थान के बाहर भी होने लगा है, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो टिड्डियों का आक्रमण है वो हाल ही दिनों के अंदर देखने को मिला है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए, और टिड्डी के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने यूके से 60 ऐसी मशीनों का ऑर्डर किया है जिनसे हम टिड्डी का नियंत्रण है वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि जो ये जो मशीन है वो 50 से 60 मीटर के दायरे के अंदर क्लाउड बनाकर केमिकल स्प्रे करेगी, जिससे जो भी टिड्डी इनके संपर्क में आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी, जो राज्य सरकार है, अपने अपने ज़िलों और राज्यों के अंदर इन्होंने जो हम केमिकल है या रसायन यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर 50% अनुदान भी दे रखा है, और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश सरकार है या राजस्थान सरकार है उन्होंने जो किराए पर ट्रैक्टर है, स्प्रे ड्रम है, इनका भी व्यवस्था की हुई है, तथा और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि तब कहीं पे भी टिड्डी का आक्रमण दिखाई दे तो उन पर संपर्क करें, आपको पूरी सहायता मिलेगी। और किसान हैं जो अपने वो धुआं कर कर भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं, और ट्रैक्टर का साइलेंसर उतार कर आवाज़ कर कर इसको बैठने से रोक सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।